कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। आजादी के बाद से 2014 तक 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे, 65, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार। मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं, और ये बात हम हवा हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्टें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था, और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। 1948 में थिमैया इंडियन आर्मी के चीफ नहीं थे, एक ब्रिटिशर जनरल रॉय बुशर इस पोस्ट पर थे। थिमैया 1957 में आर्मी चीफ बने और इस पोस्ट पर 1961 तक रहे। जनरल थिमैया ने 1948 में ना तो रिजाइन किया और ना ही रेजिग्नेशन ऑफर किया, और ना ही नेहरू ने उनका कभी अपमान किया। बल्कि मोदी जी, नेहरू ने तो 1948 में पाकिस्तानी रेडर्स को पीछे हटाने में थिमैया के रोल की तारीफ की थी। जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप गलत सवाल कर गए। जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। 1929 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली के ब्रिटिश विधानसभा हॉल पर बम फेंका। वो इसके लिए गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए। भगत सिंह ने जेल की स्थिति को बेहतर बनाने का मुद्दा उठाया और जेल में भूख हड़ताल शुरू की। उनकी भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन हो चली। तब 40 साल के जवाहरलाल नेहरू ने जेल का दौरा किया और भूख हड़ताल पर बैठे भगत सिंह और अन्य लोगों से मुलाकात की। उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी, वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए हैं, अब झूठ चलता नहीं है।